हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल के थ्रू अंडर परफेक्ट कंपटीशन कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को अंडरस्टैंड किया था, और हमने जाना था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म होती है डैट इज़ अ प्राइस टेकर, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस होते हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अलावा दूसरी जो मार्केट्स होती हैं दे आर नोन एज मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोली वो मार्केट होती है जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सेलर एक होता है, ओनली वन सेलर। जो सेलर होता है वही प्राइस को डिटरमाइन करता है, वही प्राइस को डिसाइड करता है। और ये माना गया है कि मोनोपोली जो मार्केट होती है वहाँ पर जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होते हैं कॉमोडिटी के, उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। नंबर टू हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम ये कह सकते हैं देयर इज़ अ मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स। यहाँ पर भी वो कंडीशन अप्लाई होती है कि जब प्राइस डिक्रीज होते हैं किसी कॉमोडिटी के तो उसकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस, जिसको कि हम एआर भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू, दैट टेंड्स टू डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है या एवरेज रेवेन्यू जो है फर्म का वो डिक्रीज होता है। नाउ नंबर टू, इन सच ए सिचुएशन वी विल हैव अ टेबल। तो जो हमारी टेबल है वो क्या शो कर रही है, अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एआर इज़ नॉट कांस्टेंट। लास्ट टॉपिक में हमने यहाँ पर वर्ड था व्हेन एआर इज़ कांस्टेंट, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू है डेट इज़ इक्वल टू प्राइस वो कांस्टेंट था, मतलब हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर 10-10 था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें डिक्रीज़ हो रहा है एवरेज रेवेन्यू या प्राइस ऑफ कमोडिटी में। सो जैसे आप देखेंगे प्राइस है पहले 10 रुपीज़ है, फिर 9 रुपीज़ 50 पैसा, देन 9 रुपीज़, देन 8 रुपीज़ 50 पैसा। ये डिक्रीज़ होती जा रही है प्राइस, और क्योंकि जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता जा रहा है 1, 2, 3, 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करें तो फॉर्मूला वही है, टी आर इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू, देन टोटल रेवेन्यू बिकम फर्स्ट 10, देन 19, देन 27 एंड देन 34। तो वहाँ लास्ट में क्योंकि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर प्राइस कांस्टेंट था, है ना, तो वहाँ पर एक सिमिलैरिटी थी कि जो एमआर की वैल्यू थी वो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम आ रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, जब हम एमआर फाइंड करते हैं, मतलब प्रीवियस यूनिट प्रीवियस टोटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं, तो जैसे यहाँ पर ज़ीरो मान लेते हैं प्रीवियस टोटल रेवेन्यू, बिकॉज उस कंडीशन में जो आउटपुट होगा सेल जो होगी वो ज़ीरो होगी, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट हमने फाइंड किया 10 माइनस 0, 10 आ गया, फिर 19 में से 10 माइनस करेंगे, मार्जिन रेवेन्यू निकाल रहे हैं तो 9 आ जाएगा, फिर 27 में से 19 माइनस करेंगे, देन 8, 34 में 27 माइनस करेंगे, 34 में से 27 माइनस करेंगे, देन इट विल बिकम अ 7। तो अगर आप देखेंगे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज़ नॉट कांस्टेंट, उस कंडीशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होता जाता है। तो लेट वी डिस्कस सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टेबल। तो चेक टेबल फॉर द फॉलोइंग रिलेशनशिप। नंबर वन, इन केस ए आर इज़ डिक्लाइनिंग एम आर आल्सो डिक्लाइन। तो हम कह सकते हैं भाई जैसे एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है तो उसी की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है। तो ए आर इज डिक्लाइन बाई 0.5, हमने डिस्कस किया था भाई 50 पैसे का डिक्लाइन हो रहा है हर एक आउटपुट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ। तो एम आर में जो डिक्लाइन आ रहा है अगर आप देखेंगे वो आ रहा है ₹1 का। दिस प्रूव्स डैट अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एम आर डिक्लाइन फास्टर दैन ए आर। यहाँ पर एम आर जो है वो फास्टर डिक्लाइन हो रहा है एवरेज रेवेन्यू से, तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू एम आर, क्योंकि एम आर हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर 1 डिक्रीज़ हो रहा है और जो एवरेज रेवेन्यू है वो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर 0.5 डिक्रीज़ हो रहा है।
तो जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है एमआर की, इसलिए एमआर जो है धीरे धीरे स्मॉल होता चला जाएगा एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू. व्हेन एमआर इज़ डिक्लाइनिंग वी आर एडिंग लेस एंड लेस टू टीआर फॉर एवरी एडिशन यूनिट ऑफ आउटपुट सो डैट टीआर इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. एमआर है उसकी वजह से लेस ऐड हो रहा है, कम ऐड हो रहा है टीआर में फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. तो हम कह सकते हैं कि टी आर इंक्रीज़ तो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट. जैसे हमने अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा था कि जो टोटल रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज़ करता है, हर बार 10-10 का इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ पर इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन कैसा, डिक्रीजिंग रेट. वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था कॉन्स्टेंट रेट से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और मोनोपोली के अंदर इंक्रीज़ होता है एट डिक्रीजिंग रेट. मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकता है किसी कंडीशन में. जब हम इन दोनों मार्केट को ही स्टडी कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू का जो रेट है डिक्रीज होने का वो एवरेज रिवेन्यू के रेट से ज़्यादा है, तो क्या वो कंडीशन आ सकती है कि जब मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए. जैसे हमने मार्जिनल वैल्यूज़ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो कंडीशन आ सकती है? सो यस, वो कंडीशन आ सकती है. एम आर कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव. तो अब टेबल के थ्रू समझ लेते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कॉमोडिटीज़ हैं, कुछ के प्राइसेस लो होते हैं, कुछ के प्राइसेस हाई होते हैं, कुछ कुछ कॉमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनके प्राइसेस में सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. जैसे हमने जो प्रीवियस टेबल को स्टडी किया है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, सिर्फ 50 पैसा हो रहा है हर एक आउटपुट लेवल पर. लेकिन अगर हम यहाँ पर इस टेबल में देखें तो हम पाएंगे कि हर एक लेवल आउटपुट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ 20, 40 और 10 रुपीज़, इस तरह से हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है. तो आपको इस टेबल को ऐसे ही लर्न करना है, जिसमें पहले प्राइस जो है वो 100 रुपीज रेवेन्यू, देन नेक्स्ट आउटपुट पर 80 हो जाता है, 4 सेल हो रही. देखो 2 के बाद सीधा 4 आ गया है, तो 3 को स्किप कर दिया गया है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है. तो जब यूनिट्स 4 सेल हो रही है तो 40 एवरेज रेवेन्यू है, जब यूनिट 5 सेल हो रही है तो एवरेज रेवेन्यू 30 है. अब अगर हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करें, आउटपुट मल्टीप्लाई बाई एवरेज रेवेन्यू, देन इट इज़ 100, 160, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से देन इट विल आल्सो 160, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 150. तो जैसे आपको पता है कि जब टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट आ रहा है दोनों प्लेसेस पर, दोनों 2 के बाद 4 होने पर, 3 हमने क्योंकि यहाँ पे स्किप कर दिया है, तो ये कैसा है, ये कॉन्स्टेंट है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है टोटल रेवेन्यू. पहले भी 160 है, अब भी 160 है. तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरीके से, अगर आप देखें 0, कि हमने फॉर्मूला लगाया है डेल टी आर अपॉन डेल क्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. क्योंकि हमने डायरेक्ट जो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन का इसलिए पुट नहीं किया है बिकॉज यहाँ पर एक यूनिट को स्किप किया हुआ है. अगर कॉन्टीन्यूसली यूनिट्स होती तो हमें ये फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पर फार्मूला पुट है डेल टी आर अपॉन डेल क्यू. डेल क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 2 की, और चेंज इन रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू की, वो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दी है. तो वैल्यू वही 0 आनी है, और नेक्स्ट में मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा माइनस, क्योंकि टोटल रेवेन्यू की वैल्यू डिक्रीज हो. क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या एम आर ज़ीरो और निगेटिव हो सकता है, तो हम कहेंगे येस, एम आर जो है ज़ीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स. अब जो हमने टेबल स्टडी की इसके अकॉर्डिंग कुछ रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि एम आर कैन बी ज़ीरो और इवन निगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग. जब प्राइस डिक्लाइन होता है तो एम आर ज़ीरो भी हो सकता है व्हेन आउटपुट इज़ 4 यूनिट्स, एम आर इज़ निगेटिव -10 व्हेन आउटपुट इज़ 5 यूनिट्स. हमने अभी स्टडी किया है टी आर. अब इस कंडीशन में क्या होगा, टी आर जो होता है इंक्रीज़ होना बंद कर देता है तो एम आर ज़ीरो हो जाता है. यह हम भी कह सकते हैं कि जब एम आर ज़ीरो होता है उस कंडीशन में टी आर जो होता है अपने मैक्सिमम पे होता है. इस रिलेशनशिप को समझना इसलिए ज़रूरी है, जब हम फिगर या कहेंगे कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं उस फिगर को ड्रॉ करने में. तो टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन एम आर इज़ निगेटिव. तो टी आर डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है जबकि एम आर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है. अगर आप इसको देखें कि टी आर टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ
तो उसके बाद जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या हो गया, निगेटिव। वैसे तो मैथमेटिकल अगर आप देखेंगे तो जो TR अगर घट रहा है तो जाहिर सी बात है जो मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, और वही बात वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। लास्ट इज़ व्हेन MR इज़ डिक्लाइनिंग, लेस एंड लेस इज एडेड टू TR फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, अकॉर्डिंगली TR इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू जब डिक्लाइन होता जा रहा है, ये वही पॉइंट है, तो उसका मतलब ये है कि कम से कम ऐड हो रहा है टोटल रिवेन्यू में फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब टोटल रिवेन्यू बहुत कम बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे अब एडिशनल यूनिट सेल करते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस है कमोडिटी का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, लो हो गया है। अब जो ये रिलेशनशिप है इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को भी स्टडी कर लेते हैं। तो अब जो ये रिलेशनशिप है इसके, सो नाउ जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं रिलेशनशिप, तो नाउ जो ये रिलेशनशिप हमने अभी स्टडी की है इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम या कर्व ऑफ TR, MR एंड AR को भी स्टडी कर लेते हैं। एंड जो कर्व आप ऊपर की तरफ देखेंगे डेट इज़ टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व जैसे हमने अभी बताया कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है उस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज़ होता है, और फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है जिस पॉइंट पर, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव होना स्टार्ट होता है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। पहले जो टेबल हमने स्टडी किया था कि जो AR की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है MR से, क्योंकि MR का जो डिक्लाइनिंग, ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हमने स्टडी किया था पहली टेबल में कि एवरेज रेवेन्यू तो डिक्रीज हो रहा था 0.5 पैसा से और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा था 1 रुपीज़ से। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो सडन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज, क्योंकि इसमें ज़्यादा फास्ट डिक्री, क्योंकि उसकी जो डिक्रीजिंग रेट है वो हाई है, इसलिए उसको बनाया है ओरिजिन के नज़दीक, और क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का जो डिक्रीजिंग रेट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, इसलिए इसको बनाया है फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया TR, MR और AR। ध्यान रखना है व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।